मुझ पर जुल्म करते हैं, मेरी करोड़ों रुपए की जायदाद मुझसे छीनना चाहते हैं। मुझे कोई इंसान अफसर जो है वो मुझे इंसान तक नहीं समझता, और हम पर जुल्म किया, मेरी बीवी के कपड़े फाड़ कर नंगा चौक के अंदर बिठा दिया और मेरे कपड़े फाड़ दिए। मेरी इज्जत के कातिल बने चुके ते ए मेरे बंदे को मारना चाहने, मेरी जमीन हथियाना चाहने। मेरी छोटी छोटी बच्चियां उनके सामने ये नंगा हो जाता है, बल्ली गंब असगर और गुलाम सरवर सूद नंगे हो जाते मेरी छोटी छोटी बेटियों के सामने। इस्लामाबाद के अंदर अपने आप को खत्म करके टुकड़े टुकड़े करके वजीर आजम हाउस सदर हाउस के सामने अपने आप को खत्म कर दूं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम साकिब राठौर है, आप देख रहे हैं पीडब्ल्यू न्यूज़। नाज़रीन अकराम, जब जुल्म बढ़ जाता है तो अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसा फरिश्ता, कोई ऐसा मसीहा भेजा जाता है जो उस जुल्म का हिसाब ले सके, उस मजलूम को इंसाफ दिला सके। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब तक के होने वाले बहुत सारे मजालिम जिनका हिसाब कुछ तो अदालतों ने लिया, कुछ फिर हथियार उठाने पर मजबूर हो गए। मेरे साथ इस वक्त एक मियाँ बीवी दो बैठे हुए, ये लोग पंजाब के दूर दराज इलाके लोधरा से किसी दूर रकबे से आए हैं, दूर कस्बे से यहाँ पे पहुँचे। इनके ऊपर जुल्म की कहानी उस वक्त शुरू हुई जब इनकी ज़मीनें छीनने के लिए सैकड़ों लोग बाज़ार में आ गए। मेरे साथ बैठी हुई इस खातून के कपड़े फाड़े गए और सरे आम सरे बाज़ार उनको नंगा करके घसीटा गया। ये वो अल्फाज हैं जो कहने को तो बहुत आसान है, लेकिन ये सोच कर भी जिस्म कांपना शुरू हो जाता है। क्या कहानी है मोहम्मद अकबर से जानते हैं। अकबर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आपके साथ ये कब से और क्यों हो रहा है? ये मेरे साथ 2011 से शुरू हो रहा है और आज तक मेरे साथ जुल्म किया जा रहा है, और ये जुल्म करने वाले जागीरदार हैं, डकैत हैं, ये बहुत बड़ा ज़िम्मेदार ग्रुप है इनका, डकैतों का। ये मुझ पर जुल्म कर रहे हैं सिर्फ मेरी जायदाद हथियाने के लिए, और मेरी टर्बेन पर भी ये काबिज़ बैठे हैं, मेरी तीन कनाल रकबे पर भी काबिज़ बैठे हैं। इन्होंने मुझसे 3 लाख रुपए भी, 3.5 लाख रुपए भी छीने, मेरी ट्रैक्टर भी छीनी, मुझ पर जुल्म किए हैं इन लोगों ने, और आज तक करते हैं। और 11 साल से ये लोग मेरे ज़राई ज़मीन का पानी जो है ये मुलज़म खुद लगाते हैं, जिनके साथ महकमा नहर मिला हुआ है। महकमा नहर का SDO जो है राव सुहेल अहमद, ज़िलेदार मुश्ताक, आमिर शहजाद, पटवारी अब्दुल लतीफ, ये इनके ग्रुप के हिस्सेदार हैं जो ये महकमा नहर के साथ मिले हुए हैं। ये महकमा नहर से मोगों के जो है ना भत्ता जो है ना रिश्वत वो इकट्ठी करके देते हैं। बिल्कुल ठीक है ये सारी बातें, लेकिन ये मुलजमान हैं कौन है और कहाँ किस जगह पे हैं? ये मुलजमान चाक 299 गंबावाला में रहते हैं, और मुलजम का नाम हाजी मोहम्मद अक्रम है, और अकबर और डीडा गंब है, गुलाम सरवर सूदखोर है, मोहम्मद असगर उसका बेटा है। ये तकरीबन 40 से 50 बंदों का ग्रोह है, और 100 बंदा इनके खानदान गए जो ये जुल्म कर रहे हैं। इन्होंने मेरे पाँव में कील मार कर मुझे गलियों में घसीटा, मेरी बीवी को नंगा करके ये मारते रहे हैं, और ये पुलिस जो है इनके साथ मिली हुई है जिला लोधरा की, और आज तक हमारी कोई नहीं सुनता। ये 2011 से लेके अब तक किसी बंदे ने, किसी अदालत ने, किसी अफसर ने आपकी बात नहीं सुनी? मेरी किसी अफसर ने बात नहीं सुनी। जब भी मैं जाता हूँ पुलिस के DPO के पास जाता हूँ, तो मेरा जब भी नाम पूछते हैं क्या नाम है, मैं बताता हूँ कि मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अकबर जाफरी है, तो मुझे गालियाँ देते हैं, कहते हैं निकल जाओ। कोई भी अफिसर नहीं सुनता मेरी, मैं दर बदर की भीख मांग रहा हूँ, और अब यहाँ तक पहुँचा हूँ कि कुछ दिन कबल 7/1/24 को इन्होंने मेरे रकबे से 100 दरख्त काटा और हम पर जुल्म किया, मेरी बीवी के कपड़े फाड़ कर नंगा चौक के अंदर बैठा दिया और मेरे कपड़े फाड़ दिए। ये सब को जुल्म करते रहे, वीडियो बनती रही, पुलिस को 15 पे कॉल की, पुलिस आई, सब इंस्पेक्टर आबिद हुसैन ने आके मौके पे वीडियो बनाई, सब कुछ देखा, लेकिन मुझे इंसाफ 11 दिन ना मिला। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है, क्यों, क्या मुलज़म जो आपके जो आपके ऊपर जुल्म कर रहे हैं लोग, वो आपसे ज़्यादा ताकतवर हैं? जी, वो मेरे से बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, वो बदमाश ग्रुप है, 2 नंबर ग्रुप है, वो ताकतवर हैं। मैंने पूरी ज़िंदगी मुस्लिम लीग नून के साथ गुजारी, और मैंने गुलामियाँ की हैं इन बड़े नवाबों की, लेकिन अब वो उनकी जो है ना उनको ज़्यादा तरजीह देते हैं, मुझे नहीं देते, इसलिए मुझ पर जुल्म करते हैं। मेरी करोड़ों रुपये की जायदाद मुझसे छीनना चाहते हैं, और जनाबे वाला ये मुझे कोई इंसान अफसर जो है वो मुझे इंसान तक नहीं समझता। ये वो FIR है जो इनकी तरफ से की गई है, और ये भी बड़े इनके मुताबिक बड़े पापड़ पहलने के बाद ये FIR हुई है 7/1/2024 को, और FIR नंबर है 6024। अब इस FIR के मुताबिक इनके जो मुलजमान हैं इनकी जानब से
जिनको मुलजमान नामजद किया गया है वो मोहम्मद बशीर हैं, कौम गम मसाला कुल्हाड़ी लेकर आए थे, रशीद वल मोहम्मद बशीर मसाला सोटा लेकर आए। और ये भी दिगर बहुत सारी इसमें जो दफात लगाई गई हैं, अब इनके बकौल जो मुलजमान हैं वो ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन क्या ताकतवर का जो हाथ है वो मजलूम की ग्रेबान पे पहुंचेगा और रियासत कुछ नहीं करेगी। इनकी जो जोजा हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं क्या वकूआ हुआ, क्योंकि आप घर पे रहती हैं, ये बाहर खेतों में होते थे, कि मसला कहाँ से शुरू किया इन्होंने? ये ज़मीन से शुरू किया है, पानी साढ़ा सारा वो ला गिने, पानी नहीं देते एक मरेंदे को जिस जमीन बहने हुए पकड़ के कुट गिने जड़ा नहीं मारने, असा पिछू गई है मेरे कपड़े चीर दिते ने, मैं एक मार दिते ने, बशीर गम भी धमके लेंदे, अकबर डीडा भी धमके लेंदे, आदि असं तेरी इज्जत नहीं आ गई, कातिल है मेरी इज्जत के कातिल बने चुके, तो ये मेरे बंदे को मारना चाहने, मेरी जमीन हथियाना चाहने सारी। आपके बच्चे बच्चियाँ कितने? छः बच्चे, दो बेटियाँ, चार बेटे। तो क्या वो वहीं पे हैं उसी जगह पे? जी हाँ। उनको कोई खतरा तो नहीं? खतरा है, उनको भी खतरा है। अब आपके जो बच्चे हैं वो स्कूल वहीं पे पढ़ते हैं? वहीं पढ़ते हैं, मेरे बच्चों को स्कूल से निकाल दिए, गांव का नंबर दर्ज है दिलावर, वो कहते हैं तुम इनके जाकर पाँव पकड़ो, ये जो जैसा ही कहते हैं वैसा करो तो फिर तेरे बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, वरना नहीं। मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उनके सामने ये नंगा हो जाता है, बल्ली गंब असगर और गुलाम सरवर सूद नंगे हो जाते हैं मेरी छोटी छोटी बेटियों के सामने। इनकी घर पे बच्चियां हैं और ये जो मुलजमान का जिनका ये बता रहे हैं कि वो इनके सामने आके बराना हो जाते हैं ताकि ये वो इलाका छोड़ के चले जाएं, क्यों वो ज़मीन इतनी कुछ महंगी है कि इसको आपसे छुड़ाने पे वो वो मेरी ज़मीन जो है वो कम अज कम करोड़ों रुपए की मेरी ज़मीन है, ये मेरी ज़मीन शुरू से छीन रहे हैं, ये मुझ पर जुल्म कर रहे हैं, ये मुझ पर पूरा खानदान जुल्म करते हैं, ये मुझे कहते हैं। अब जो हमारे लोग जो इस वक्त आप इकतदार के शहर में बैठे हुए हैं और यहाँ से जन फरलांग के फासले पर हमारे नाखुदा बैठे होते हैं, तो उनको क्या पैगाम देंगे? मैं यही इधर आया था, मैं तो आया था कि यहाँ इस्लामाबाद के अंदर अपने आप को खत्म करके टुकड़े टुकड़े करके वजीर आजम हाउस सदर हाउस के सामने अपने आप को खत्म कर दूं, लेकिन यहाँ आप लोग मिले हैं, वसीला और लोग मिले हैं, और ये जो उधर से लेके बंदे हैं वो कहते हैं हमें मरियम नवाज की तरफ से आर्डर है कि अकबर के बीच से भी लूट लो, इसकी सदा दे भी छीन लो, ये अकरम गम जो है ये बहुत बड़ा बदमाश है, ये अगवा करते हैं औरतें, ये बाहर जाकर फरोख्त करते हैं, ट्रैक्टर अगवा करते हैं, मेरे टूल पर भी काबिज है, मेरी जमीन पर भी काबिज है, मुझे जीने का कोई हक नहीं, मैं वहां अपने घर अपनी जायदाद में पानी का घूंट भी नहीं पी सकता।